तथागत बुद्ध ने रोहिणी नदी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महार तालाब के लिए संघर्ष किया। बुद्ध कालखंड में शाक्य और कोली लोगों के बीच रोहिणी नदी को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद हिस्सेदारी को लेकर था। उस समय तथागत बुद्ध के पिता राजा सुद्योधन एक कपिलवस्त्र के राजा थे। तथागत बुद्ध युद्ध की स्थिति निर्वाण न हो इसलिए वे विवाद के विरोध में खड़े हुए। शाक्य और कोली लोगों के बीच हमेशा भाईचारा रहे इसलिए तथागत बुद्ध ने दोनों को सब समान अधिकार मिलने की बात कही। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की प्रक्रिया सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच हंस विवाद का मामला और रोहिणी विवाद के मामले से शुरू हुई थी और इस तरह से तथागत बुद्ध ने पाणी के लिए अर्थात हक अधिकार न्याय के लिए सर्वप्रथम संघर्ष किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी तथागत बुद्ध की तरह पानी के लिए संघर्ष किया और जो पानी पशु पक्षी जानवर और उच्च जात के लोग पी सकते थे वो पानी शूद्र या नांग बसे लोग नहीं पी सकते थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को महार तालाब का संघर्ष करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महार तालाब संघर्ष उतना ही महान था जितना तथागत बुद्ध का रोहिणी नदी के पानी के लिए था। उन दोनों की बदौलत में पानी पीने का अधिकार मिला है इसलिए दोनों महामानवों को विनम्र गर्व कोटि कोटि प्रणाम।